हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एएनएम अंतरिम वरीयता सूची संबंधित भ्रामक खबरों का चिकित्सा विभाग ने किया खंडन। अंतिम चयन सूची का प्रकाशन आपत्तियों के परीक्षण एवं मूल दस्तावेजों की जांच अपरांत किया जाएगा। जिले के चिकित्सा संस्थाओं में एएनएम के रिक्त पदों को यूटीबी आधार पर भरने हेतु जारी अंतरिम वरीयता सूची के बारे में सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों का चिकित्सा विभाग ने खंडन किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएल बिशोई ने बताया कि जिले के चिकित्सा संस्थाओं में एएनएम के 250 रिक्त पड़े पदों को अर्जेंट टेम्पररी आधार पर भरने हेतु विज्ञापन जारी कर दिनांक 25 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच कर शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता के प्रतिशत के औसत के आधार पर नियम अनुसार स्थानीय अभ्यर्थियों एवं आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को वरीयता देते हुए अंतरिम वरीयता सूची विभागीय पत्रांक दिनांक 20 जुलाई 2021 द्वारा जारी की गयी थी। इस अंतरिम वरीयता सूची के संबंध में ऑफलाइन आपत्ति अथवा परिवेदना दिनांक 28 जुलाई 2021 तक चाही गई थी। इसमें स्पष्ट लिखा गया था कि यहां अंतरिम वरीयता सूची कोई चयन सूची या नियुक्ति सूची नहीं है, इसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। प्राप्त हुई आपत्तियों एवं परिवेदनाओं का परीक्षण चयन कमेटी द्वारा किया जा रहा है, उनके निस्तारण उपरांत मूल दस्तावेज से मिलान करने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट बनाकर अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। डॉक्टर विशोई ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक खबरों का खंडन करते हुए बताया कि अंतिम चयन सूची पूर्ण पारदर्शिता के साथ जारी की जाएगी। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।